Dear students of class 3rd, today we are continuing the chapter 3rd of computer Windows 7. देखो अभी तक हमने आपको इस चैप्टर में बताया है विंडोज़ के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में, विंडोज 7 का डेस्कटॉप हमें कैसे दिखता है, डेस्कटॉप बैकग्राउंड किसको बोलते हैं, चेंजिंग द डेस्कटॉप बैकग्राउंड, आइकन्स, सिलेक्टिंग एंड डीसिलेक्टिंग एंड आइकन, ओपनिंग एन एप्लीकेशन यूजिंग आइकन्स, हाइडिंग डेस्कटॉप आइकन्स, टास्क बार, क्विक लॉन्च बार, क्लॉक, शो डेस्कटॉप बटन, स्टार्ट बटन, चेंजिंग द पोजिशन ऑफ टास्क बार। ठीक है, अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज द मेन्यू दैट अपीयर्स ऑन द राइट क्लिक ऑफ द माउस इज कॉल्ड शॉर्टकट मेन्यू और पॉपअप मेन्यू। जब हम माउस का राइट बटन दबाते हैं तो एक लिस्ट ऑफ प्रोग्राम आता है जो हमारे कंप्यूटर में डिस्प्ले होता है, उसको हम बोलते हैं शॉर्टकट मेन्यू और पॉपअप मेन्यू। द मेन्यू दैट अपीयर्स ऑन राइट क्लिक ऑफ द माउस, माउस का जब हम राइट बटन प्रेस करते हैं तो एक लिस्ट अपीयर होती है हमारी कंप्यूटर पे, उस लिस्ट को हम बोलते हैं शॉर्टकट मेन्यू या पॉपअप मेन्यू। शॉर्टकट बटन्स इन ए विंडो, विंडोज के अंदर शॉर्टकट बटन्स कौन कौन से होते हैं। There are some buttons on the upper right corner of an open window. जब भी हम विंडो खोलते हैं ओपन राइट कॉर्नर पे कुछ बटन होते हैं, जैसे ये बटन है, जैसे माइनस का निशान दिखा रहा है ना, माइनस की तरह निशान बना हुआ है ये, इसको हम बोलते हैं मिनिमाइज बटन। इसका क्या काम होता है, श्रिंक्स द विंडो टू द टास्क बार। जैसे हम इसको प्रेस करेंगे जो भी हमने प्रोग्राम खोला हुआ है वो हमारा कहाँ पे अपीयर हो जाएगा, टास्क बार पे चला जाएगा। यानी जो कंप्यूटर पे हमने प्रोग्राम खोला हुआ है वो बंद होकर छोटा होकर टास्क बार पे उसका आइकन बन जाएगा। उसके बाद है मैक्सिमाइज बटन, इंक्रीज द साइज ऑफ विंडो टू इट्स मैक्सिमम। अगर हम इस बटन को का क्या फंक्शन होता है, जो आपका विंडोज है जो आपको कंप्यूटर पे दिखाई दे रही है उसका मैक्सिमम साइज आपको दिखाई देगा। आपको क्या साइज दिखाई देगा, मैक्सिमम साइज दिखाई देगा। उसके बाद ये बटन है, इसको हम बोलते हैं रिस्टोर डाउन बटन, रीसाइज़ेस द विंडो बैक टू इट्स ओरिजिनल साइज फ्रॉम मैक्सिमम व्यू। ये बटन क्या करता है, जो विंडो का ओरिजिनल साइज है खाली उसी के अंदर दोबारा आपको ये कंप्यूटर पर दिखाता है। क्लोज बटन, क्लोज इज ए विंडो, इससे क्या, इसको प्रेस करने से क्या होती है, हमारी विंडो क्लोज हो जाती है। दोबारा देखो बटन कौन कौन से हैं, मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन, रिस्टोर बटन एंड क्लोज बटन। मिनिमाइज बटन का क्या फंक्शन होता है, जैसे हम इस बटन को प्रेस करेंगे जो भी हमने प्रोग्राम खोला हुआ है उसका आइकन टास्क बार पर बन जाएगा, छोटा सा श्रिंक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। मैक्सिमम बटन इंक्रीजेज द साइज ऑफ विंडो टू इट्स मैक्सिमम। मैक्सिमाइज बटन क्या करता है, विंडो को मैक्सिमम साइज में आपको दिखाता है। रिस्टोर डाउन बटन रिसाइजेज द विंडोज टू इट्स ओरिजिनल साइज फॉर मैक्सिमाइज व्यू, ये मैक्सिमाइज व्यू से आपको उसका ओरिजिनल साइज में कन्वर्ट कर देता है वापस। क्लोज बटन क्लोजेज द विंडो, विंडो को क्लोज कर देता है। अब आगे आपको बताया हुआ है माउस पॉइंटर शेप्स, जो माउस का पॉइंटर होता है उसकी शेप्स कौन कौन सी होती हैं। द शेप ऑफ माउस पॉइंटर चेंजिंग अकॉर्डिंग टू एक्शंस वी डू ऑन द कंप्यूटर, सम ऑफ देम आर। जो आपका माउस का पॉइंटर है उसकी शेप्स जैसे जैसे हम कंप्यूटर पे काम करते हैं तो उसके हिसाब से चेंज होती रहती है। जब भी हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो हमें माउस का पॉइंटर इस तरह से दिखाई देता है, इसको ये होती है नॉर्मल पॉइंटर, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल पॉइंटर। दिस इज द नॉर्मल शेप टू पॉइंट सेलेक्ट ड्रैग एंड क्लिक। ठीक है, ये
जो है इसका नॉर्मल व्यू है। ये किसका, ये इस जब भी हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो हमें इसका पॉइंटर नॉर्मल शेप में दिखाई देता है। वो किसी चीज़ को पॉइंटेड कर पॉइंट आउट करने के काम आता है, किसी आइकन को सिलेक्ट करने के काम आता है, किसी आइकन को ड्रैग एंड क्लिक मतलब किसी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के काम आता है, क्लिक यानी उसको खोलने के काम आता है। बिजी पॉइंटर, बिजी पॉइंटर का इस तरह से दिखाई देता है हमारे को, दिस शोज दैट कंप्यूटर इज़ बिजी एंड यू हैव टू वेट। अगर आपने किसी प्रोग्राम को क्लिक किया है खोलने के लिए तो पॉइंटर इसमें चेंज हो जाएगा जब तक वो प्रोग्राम आपका पूरा नहीं खुल जाता। उसके बाद है ये आपका आई बीम पॉइंटर, दिस इज आई शेप टू सेलेक्ट टेक्स्ट इन ए डॉक्यूमेंट। अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट खोला हुआ है उसमें हमें किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है तो सिलेक्शन से पहले जैसे हम इसको सिलेक्ट करने वाले जगह पे लेके जाते हैं तो उसकी शेप क्या हो जाती है, इस तरह की आई शेप हो जाती है। उसके बाद है वर्किंग इन बैकग्राउंड पॉइंटर, दिस शोज दैट कंप्यूटर इज प्रोसेसिंग वाइल यू आर वर्किंग। अब एक साथ अगर कोई दूसरा प्रोग्राम खोल लेते हो कंप्यूटर पे, आप एक प्रोग्राम में काम कर रहे हो साथ में दूसरा प्रोग्राम भी खोल रहे हो कंप्यूटर पे, तो आपका पॉइंटर इस तरह से दिखाई देगा कि जो आपका पॉइंटर है वो जिस प्रोग्राम में आप काम कर रहे हो उसके अलावा वो कोई दूसरा प्रोग्राम भी खोल रहे हैं। दोबारा देखो, माउस पॉइंटर शेप्स, माउस पॉइंटर की शेप कौन कौन सी होती हैं, नॉर्मल पॉइंटर, बिजी पॉइंटर, आई बीम पॉइंटर, वर्किंग इन बैकग्राउंड पॉइंटर। ये आपकी नॉर्मल शेप होती है, जब भी हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो पॉइंटर हमें इस शेप में दिखाई देता है, इससे हम किसी चीज़ को पॉइंट आउट कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, ट्रैक का मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले सकते हैं, एंड क्लिक यानी उस पर हम क्लिक कर सकते हैं। बिजी पॉइंटर, आपको अगर हमने कोई प्रोग्राम को क्लिक किया है खोलने के लिए तो हमारे पॉइंटर की जो शेप है वो सर्कल में चेंज हो जाएगी। आई बीम पॉइंटर, दिस इज आई शेप टू सेलेक्ट टेक्स्ट इन ए डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में अगर हमें टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है तो उसकी शेप ये हो जाएगी। वर्किंग इन द बैकग्राउंड पॉइंटर, आप किसी फाइल में काम कर रहे हैं आप साथ साथ दूसरा प्रोग्राम खोल लेते हैं तो आपको इस तरह से दिखाएगा कि इसका मतलब है कि आप जिस प्रोग्राम में काम कर रहे हैं उसके अलावा कंप्यूटर आपके लिए दूसरा प्रोग्राम भी खोल रहा है। नेक्स्ट है आपका विंडोज़ कैलकुलेटर, विंडो में भी कैलकुलेटर होता है। विंडोज़ प्रोवाइड मैनी एसेसरीज लाइक पेंट वर्ड पैड, लेट अस लर्न टू यूज़ विंडोज 7 कैलकुलेटर। विंडोज 7 कैलकुलेटर इज यूज टू सॉल्व सम्स। विंडो के अंदर और बहुत सारी एसेसरीज होती हैं, पेंट प्रोग्राम होता है, वर्ड पैड होता है और उसके अंदर कैलकुलेटर भी होता है। अभी हम आपको कैलकुलेटर के बारे में बताएंगे। कैलकुलेटर इज यूज टू सॉल्व सम्स। कैलकुलेटर में हम क्या करते हैं, कोई भी हम सम को सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल सम, प्लस का हो, माइनस का हो, डिवाइड का हो, मल्टीप्लाई का हो, वो हम इस पर हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, सबसे पहले हमें स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, देन क्लिक ऑल प्रोग्राम्स, ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करना है, क्लिक ऑन एसेसरीज, एसेसरीज पे क्लिक करना है, नाउ क्लिक ऑन कैलकुलेटर, कैलकुलेटर पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे हम ये स्टार्ट बटन है आपका, सबसे पहले आपको इसी पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आपको जाना पड़ेगा एसेसरीज के अंदर, एसेसरीज से फिर आपको यहाँ से कैलकुलेटर सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही इस आइकन को सेलेक्ट करेंगे आपका इस तरह से कंप्यूटर के ऊपर कैलकुलेटर खुल जाएगा। ओके, द विंडोज 7 कैलकुलेटर इज डिस्प्लेड। इस तरह से आपका विंडो के ऊपर कैलकुलेटर खुल जाएगा कंप्यूटर के ऊपर। इट हैज़ बटन्स फॉर डिजिट्स एंड फॉर अदर कैलकुलेशंस। जैसे आप कैलकुलेटर देखते हो ना, आपके पास घर पे भी हो सकता है कैलकुलेटर हो, उस वो जैसा दिखाई देता है कंप्यूटर पे भी सेम वैसा ही दिखाई देता है। इट हैज़ बटन्स फॉर डिजिट, इस पर डिजिट के लिए बटन होते हैं, एंड फॉर अदर दूसरी कैलकुलेशन के भी के लिए भी बटन होते हैं। जैसे एडिशन के लिए प्लस का साइन होता है, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस का साइन होता है, मल्टीप्लाई के लिए क्रॉस का साइन होता है, एंड डिवाइड के लिए ये डिवाइड का साइन होता है। इट हैज़ ए बटन फॉर इक्वल टू, इक्वल टू का बटन होता है। क्लिक ऑन द बटन एंड सॉल्व योर सम, इन बटन्स पे क्लिक करो और अपने सम्स को सॉल्व करके देखो। ठीक है, इस लेसन में हमने क्या पढ़ा है,
द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज ए मैनेजर फॉर द कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? कंप्यूटर का एक मैनेजर होता है जो पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। MS विंडो हैज़ मैनी वर्जन्स, विंडोज XP, विंडोज विस्टा, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10। द बैकग्राउंड पिक्चर ऑफ विंडोज 7 डेस्कटॉप इज कॉल्ड डेस्कटॉप बैकग्राउंड। जो बैकग्राउंड पिक्चर आपको दिखाई देती है विंडोज 7 में, उसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप बैकग्राउंड। इसका एक नाम और भी होता है, उसको क्या होता है वो? वॉलपेपर। एंड आइकन इज ए स्मॉल पिक्चर दैट इज यूज टू ओपन ए प्रोग्राम फाइल और फोल्डर। आइकन क्या होता है? स्मॉल पिक्चर होती हैं जो फाइल और फोल्डर को खोलने के काम आता है या किसी प्रोग्राम को खोलने के काम आता है। द शेप ऑफ माउस पॉइंटर चेंजेस अकॉर्डिंग टू एक्शंस वी डू ऑन कंप्यूटर। जैसे जैसे हम कंप्यूटर पे काम करते हैं जो हमारे माउस पॉइंटर की शेप है वो चेंज होती रहती है। विंडोज़ प्रोवाइड मैनी एक्सेसरीज लाइक पेंट एंड वर्ड। विंडोज़ के ऊपर बहुत सारी एक्सेसरीज होती है। कौन कौन सी होती हैं? पेंट, वर्ड पैड और एक कैलकुलेटर जो भी हमने आपको बताया। अब देखो एक्सरसाइज है, इसमें क्या है आपका? ड्रॉ द शेप ऑफ द फॉलोइंग पॉइंटर। आई बीम पॉइंटर की क्या शेप होती है, बिजी पॉइंटर की क्या शेप होती है, वर्किंग इन बैकग्राउंड पॉइंटर की क्या शेप होती है और नॉर्मल पॉइंटर की क्या शेप, वो आपको इसके अंदर बनानी है। इसके बाद है आपका लेबल द पार्ट्स ऑफ टास्क बार। आपको टास्क बार पे कौन कौन से पार्ट्स हैं पीछे से पिक्चर देख लेना, दोबारा ये वाली बनी हुई है आपके इसके अंदर, वहाँ से देख के इसके नाम लिखने हैं। इसके बाद है आपका राइट ट्रू एंड फॉल्स। वन बाय वन रीड करना है और ट्रू एंड फॉल्स लिखना है। उसके बाद है आपका टिक द करेक्ट आंसर। इसको वन बाय वन पढ़ना है, इसमें से सही आंसर पे टिक करना है, यहाँ पे जगह है, यहाँ पे लिखना भी है इसको। इसके बाद है आपके क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है? क्वेश्चन आंसर ट्राई करना, करने की कोशिश करना, हो जाए तो ठीक है, नहीं तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में आपको भेजेंगे। आप इस लेसन को एक बार दोबारा पढ़ लेना, उसके बाद इस एक्सरसाइज को करना, ओके? और कहीं कोई भी समझ में ना आए, ना आया हो, उसको व्हाट्सएप में डाल देना, आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे, ओके? थैंक यू। देखो अभी हमने कंप्यूटर में क्या खोला हुआ है, पेंट प्रोग्राम, ठीक है? और यहाँ पे देखो ये तीन बटन बने हुए हैं यहाँ पे आपके, इसको हम बोलते हैं मिनिमाइज बटन, ये मैक्सिमाइज एंड रिस्टोर बटन दोनों इकट्ठे हैं इसके अंदर, और ये है आपका क्लोज बटन। देखो अब कैसे काम करते हैं, हम माउस के एरो को इसके ऊपर लेके आएंगे, ये हमारा माउस का एरो है, हम यहाँ पे मिनिमाइज बटन के लिए, तो जैसे ही बटन देखो मिनिमाइज लिखा हुआ भी आ रहा है इसके ऊपर, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा छोटा सा आइकन कहाँ चला गया, ये चला गया, ये रहा है टास्क बार एरो के साथ। अब जैसे हम इसको दोबारा क्लिक करेंगे तो ये हमारा बड़ा हो जाएगा, ओके? अब देखो ये है हमारा मैक्सिमाइज, अब देखो इसको हम बोलते हैं रिस्टोर डाउन, ठीक है? इसको हम बोलते हैं रिस्टोर डाउन। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा देखो छोटा हो जाएगा, ओके? अब देखो विंडो पे ये छोटा हो गया, पहले पूरी विंडो पे खुला हुआ था, अब ये छोटा हो गया। अब जैसे हम इस पर लेके जाएंगे ये क्या इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे मैक्सिमाइज बटन बन जाएगा। देखो मैक्सिमाइज लिखा हुआ भी आ रहा है इसके अंदर मैक्सिमाइज, इस पर क्लिक करेंगे तो विंडो जो अपने ओरिजिनल साइज के अंदर आपके कंप्यूटर पे दिखाई देगी, पेंट प्रोग्राम देखो बड़ा हो गया इसके अंदर। इसके बाद जो लास्ट बटन है इसको हम बोलते हैं क्लोज बटन। जैसे हम इस पर लेके जाएंगे देखो रेड कलर में कन्वर्ट हो गया है, इस पर क्लोज लिखा हुआ है, जैसे हम इसको क्लिक करेंगे ये हमारा प्रोग्राम है ये बंद हो जाएगा, ओके? ये है हमारी पॉइंटर की नॉर्मल शेप, ठीक है? अभी हम कोई काम नहीं कर रहे तो ये नॉर्मल शेप है हमारी। जैसे हम इसको किसी भी फाइल किसी भी आइकन के ऊपर लेके जाएंगे, उस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो इसकी जो शेप है वो चेंज हो जाएगी। देखो इसकी शेप चेंज हो गई है, ये देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये बैकग्राउंड में जो फाइल है इसको खोल रहा है, ये है। अब देखो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये बिजी पॉइंटर के अंदर, मतलब ये जो फाइल हम जिस पे हमने क्लिक किया है इसको अभी खोलना, देखो इसमें फाइल खोल दी, ठीक है? और जैसे हम इसमें किसी चीज़ को सिलेक्ट करेंगे, जैसे हमने इसको सिलेक्ट करना है
इसके आगे जैसे हम इसको लेके आएंगे देखो इसकी शेप चेंज हो गई है सिलेक्ट करने के लिए, ये देखो आई शेप हो गई, ठीक है। जैसे हम इसके ऊपर लेके आएंगे इसकी शेप क्या हुई है, ये आई शेप हो गई। इसे दूर लेके जाएंगे अपने दोबारा नॉर्मल इसके अंदर आ जाएंगे, ये हमारे इसकी पॉइंटर की शेप है। कैलकुलेटर को खोलें, कैलकुलेटर खोलने के लिए हम माउस के एरो को लेके आएंगे स्टार्ट बटन पे, देखो ये स्टार्ट लिखा हुआ है, वाले देखो स्टार्ट लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, क्लिक करेंगे इसको फिनिश खुल जाएगी। ये है कैलकुलेटर, कैलकुलेटर पे क्लिक करते ही हमारा ये कैलकुलेटर खुल जाएगा, कैलकुलेटर खुल गया है। ओके अब देखो इस पर देखो डिजिट्स लिखी हुई हैं, नंबर्स लिखे हुए हैं इसके ऊपर, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद ये आपके साइंस है, जैसे कैलकुलेटर पे साइन होते हैं ना, डिवाइड का साइन हो गया, मल्टीप्लाई का हो गया, आपका माइनस का साइन हो गया और प्लस यानी एडिशन का साइन हो गया, नीचे ये आपका इज इक्वल टू का साइन हो गया। अब देखो कैसे काम करता है, अगर हमने ये इसकी डिस्प्ले स्क्रीन है यहाँ पे दिखाई देगा आपको, अब चाहे जैसे हमने 9 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले पहले हम माउस के एरो को 9 पे लेके जाएंगे, जी हम माउस के एरो को 9 पे लेके आ गए। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे माउस का बटन, एक बार दबाएंगे लेफ्ट वाला तो ये हमारा 9 लिखा हुआ आ गया, देखो ऊपर जी 9 हो गया ना, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन ये देखो यहाँ पे आ गया 9 into। अब फिर हम दोबारा क्या है इसको 9 कर दबाएंगे, 9 प्रेस करने के बाद हम दोबारा कहाँ जाएंगे यहाँ जिसमें इज इक्वल टू का साइन को प्रेस करेंगे, ये इज इक्वल टू का साइन, जैसे भी साइन को प्रेस करेंगे यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 9 into 9 is equal to 80, ठीक है। ऐसी अगर हमें किसी चीज़ को ऐड करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले इसको क्लियर करना पड़ेगा, यहाँ से सीधा आ दीजिए क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे अगर हमें किसी को ऐड करना है 89 प्लस प्लस का साइन दबा दीजिए 98 यानी 9 और उसके बाद 98 के लिए दोबारा हम प्रेस करेंगे आगे 8। अब हमने किसको ऐड करना है 89 प्लस 98, जैसे हम इक्वल टू का साइन दबाएंगे यहाँ पे जाके दोबारा तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 89 प्लस 98 इज इक्वल टू 100। ओके बेटा, आज का आपका लेक्चर अब यहीं तक ही है, ठीक है। आप तो लेसन को पूरा रीड करना, उसके बाद ही आप उसकी जो बैक एक्सरसाइज आपको बताई गई है उसको कंप्लीट करके भेज देना। ओके थैंक यू।